हालेलुया, जय प्रभु यीशु। हम प्रभु यीशु की आराधना करने आए हैं, आइए हम खड़े हो जाएं। हम इसीलिए खड़े होते हैं क्योंकि सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर की उपस्थिति में हम आए हैं, किसी मनुष्य इंसान के सामने नहीं। इसीलिए हम आदर में खड़े होते हैं, नंबर वन। नंबर टू, हम समर्पण में खड़े होते हैं। ये किसी इंसान को या मुझे प्रसन्न करने के लिए नहीं, मुझे अच्छा फील होने के लिए नहीं है, लेकिन हम इस बात को पहचानते हैं कि हम राजा के उपस्थिति में आए हैं, और राजा की उपस्थिति में जब तक राजा स्वयं हमें ना बैठाए तब तक हम नहीं बैठते हैं। कोई बड़ा अधिकारी जब तक हमें अनुमति ना दे कि आप बैठिए, तब तक कोई बैठता नहीं, और खड़े रहते हैं, है ना। आप लोग जो स्कूल में जाते हैं, आप अपने प्रिंसिपल के ऑफिस में जब जाएंगे, आप सीधे कुर्सी खींच के आप बैठ नहीं जाते हैं, आप वेट करते हैं जब तक प्रिंसिपल आपको बैठाए ना, और तब आप बैठते हैं। कोई भी अधिकारी है, तो इन सारे सांसारिक अधिकारियों से बढ़कर हमारा यहोवा परमेश्वर है, जो राजा है। उस राजा की उपस्थिति में हम आए हैं, इसीलिए हम खड़े होते हैं, इसीलिए हम खड़े होते हैं। ओके, तो यदि आप आज तक समझ नहीं पाए कि हमें खड़ा क्यों किया जाता है चर्च में, वो केवल इसी कारण से। और फिर हम जब हाथ उठाते हैं, हाथ कब उठाए जाते हैं? समर्पण के समय, सरेंडर के समय, है ना। वो सब आप जानते हो ना, हैंड्स अप। क्यों हैंड्स अप? सरेंडर वहां पे जबरदस्ती किया जाता है, लेकिन यहां पर हम स्वेच्छा से हम कहते हैं आई सरेंडर। हम इसीलिए हाथ उठाते हैं। हम ताली क्यों बजाते हैं? ताली आनंद को व्यक्त करने का एक तरीका है। जब इंसान बहुत खुश होता है तो वो गाता है, गुनगुनाता है, या तो अपने मन ही मन या फिर बहुत ऊंचे आवाज में, जब वो खुश होता है। इसीलिए दाऊद जो भजन लिखने वाला कहता है, उसके आंगनों में धन्यवाद के साथ प्रवेश करो और उसके द्वार में, उसके फाटकों में स्तुति के साथ। और जब हम स्तुति के साथ प्रवेश करते हैं, आभारी हृदय से, धन्यवाद के साथ, आनंदित, तब हम ताली बजाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, खुशियां मनाते हैं। परमेश्वर के संतान से ये क्यों उम्मीद किया जाता है कि वो हर समय आनंदित रहे? वो इसीलिए, क्योंकि कठिन समय में जब बाकियों के लिए मुश्किल होता है आनंदित होना, एक मसीह विश्वासी के लिए आसान इसीलिए होता है क्योंकि प्रभु का आनंद हमें बल देता है, और वो हमें अपने आनंद से भरता है। तो जब प्रभु हमें अपने आनंद से भरता है और हम बल प्राप्त करते हैं, फिर हमें उदास होने की क्या आवश्यकता है? कठिन समयों में भी, संघर्ष के समय में भी, हम आनंद से भरे रह सकते हैं। तो इसीलिए आज की सुबह जब हम इन गीतों को गाते हैं, मैं चाहूँगा कि आप आनंद के साथ गाएं। अब मेरे पास कोई मीटर तो नहीं है नापने के लिए, ना ही मैं ये काम करूँगा, ये मेरा काम नहीं है। आनंदित होना आपके लिए भला है, क्योंकि आपके आनंद होने से, आनंदित होने से आप बल प्राप्त करोगे, आप एक स्वतंत्रता और आज़ादी अनुभव करोगे। सो ये आपके भलाई के लिए है, हम केवल प्रेरित कर सकते हैं। सो इसीलिए हम प्रेरित करेंगे कि आप आनंद के साथ खुशियां मनाएं, साथ में आभारी हृदय से प्रभु को धन्यवाद देते हुए उसकी करुणा के लिए, उसकी भलाई के लिए। हालेलुया, क्यों ना हम अपने हाथों को स्वर की ओर उठाएं, अपने आंखों को हम बंद करें, हर एक जन कोई इधर उधर ना देखते हुए, लेकिन अपने आवाजों को हम उठाकर हम यीशु को हम धन्यवाद दें उसकी करुणा और कृपा के लिए। हम धन्यवाद दें अपने आवाजों को उठाकर उसके भलाइयों के लिए, उनके आशीषों के लिए जिससे उसने हमें भरा है। इस बीते सप्ताह में उसकी उपस्थिति हमारे संग बनी रही है, उसने हमारी अगुवाई करी, उसने हमें सुरक्षित रखा, उसने हमारी मुहैया करी है। हमारे पास धन्यवाद देने के कारण की कमी नहीं है, हर एक सांस एक आशीष है। हालेलुया, इसीलिए हम आनंदित होते हैं। हालेलुया, स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया, स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे।
फिर से गाएंगे हालेलुया स्तुति महिमा हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा प्रभु के मेज की उपस्थिति में है जहां पर हम उस भोज में हम शामिल होंगे जो प्रभु यीशु ने दोबारा से नया किया एक नई वाचा और यीशु ने कहा जब कभी तुम मेरे याद में रोटी को खाओ और इस रस को पियो तो मुझे स्मरण करते हुए तुम इसे खाओ और पियो क्या स्मरण करते हैं जो दुख उसने उठाया और फिर जो मृत्यु जिसमें वो प्रवेश किया मैं प्रवेश शब्द इसीलिए प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि उसने जान कर अपनी जान दी ही वेंट और ही केम टू डाई इसीलिए मैंने प्रवेश शब्द यूज किया
और ये दुख जो यीशु ने उठाया ये अपने लिए नहीं, ये हमारे लिए है, आपके लिए और मेरे लिए है। क्या यहां पर किसी ने कभी कांटों का एक ताज पहना अपने सर पे? कोई है? नहीं है। मैं समझता हूं कि हर एक के घर में वो सिलाई करने वाला है, वो नीडल हो ना, पिन, वो होता होगा। आज शाम को जाके वो लेकर जरा यहां रख के देखिए, ठीक है? एक बार करके देखिए, जान के करके देखिए, एक्सीडेंट से नहीं, जान के। आप तो केवल एक नीडल आप पोक करोगे, लेकिन यीशु मसीह ने अपने सर को झुकाया ताकि उसके सर पे ये पहनाया जाए, कांटों का ताज, कांटों का ताज। कई बार हम बस बोल देते हैं लेकिन उसका हम दर्द नहीं समझते हैं। इसीलिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को याद दिलाएं कि यीशु ने दुख सहा, उसने अपने शरीर को इस बात के लिए दिया कि वो शरीर तोड़ा जाए। जगह जगह खरोच नहीं परंतु कोड़े से, भाले से, तलवार से उसका शरीर जगह जगह काटा जाए। उसने अपने शरीर को दिया इस काम के लिए और लहू उसने बहने को दिया। क्या है इस सब की, इस सब का सिग्निफिकेंस क्या है? यशाया का पुस्तक कहता है कि उसके कोड़े खाने से हम और आप क्या प्राप्त करते हैं? चंगाई, उसके कोड़े खाने से। और जब कोड़े खाते हैं तो रक्त बहता है, और लहू के बहने से हमको और आपको क्या मिलती है? हमको उद्धार मिलता है, छुटकारा मिलता है, पाप के बंधन से, पाप के श्राप से, पाप का जो जंजीर है वो हमारे जीवन से तोड़ दिया जाता है। वो केवल यीशु के लहू के द्वारा संभव है, केवल यीशु के लहू से। और कोई तरीका नहीं है, और कोई मार्ग नहीं है। इसीलिए यीशु ने कहा मैं ही मार्ग हूं, कोई और मार्ग नहीं है, केवल यीशु ही मार्ग है। इसीलिए हमको चाहिए कि हम हमेशा यीशु मसीह को प्रतिदिन हम धन्यवाद दें उस लहू के लिए जो उसने बहाया, उसने आपके लिए और मेरे लिए बहाया। लहू जो गुनाहों से हमको धो डालता है, वो लहू जो उसने बहाया आपके और मेरे पापों के लिए। आज के सुबह आइए हम धन्यवाद दें। पीछे हटे खुदा बनकर रूफ फरमाता है।
धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने हमें पाप के श्राप से छुड़ाया, आपने पाप के दलदल से हमें खींच निकाला, आपने पाप के जाल को में से हमें छुड़ाया है और आज के दिन हम स्वतंत्र खड़े हैं आप पे प्रभु जी, आप जो हमारे चट्टान हैं, आप पर हम आजाद खड़े हैं और बड़े हियाव के साथ हम इस बात को घोषित कर सकते हैं, मैं आजाद हूं, मैं आजाद हूं, मैं आजाद हूं। हालेलुया, हालेलुया। धन्य हो प्रभु यीशु। ताली बजाएंगे we
यीशु तेरा लहू, जिंदा है तेरा लहू, यीशु तेरा लहू, यीशु तेरा लहू, जिंदा है तेरा लहू, जिंदा है तेरा लहू, यीशु तेरा लहू, यीशु तेरा लहू, जिंदा है उसमें शिफा है और उसमें है माफी, उसमें शिफा है और उसमें है माफी, बस एक ही बूंद उसके है काफी, बस एक ही बूंद उसके है काफी, उस लहू से उस लहू में, उस लहू से उस लहू में हमको जिंदगी मिली, बदन से टपक कर जमीन से लिपट कर बहता लहू वो चला, उभर के उमड़ के हदे पार करके बहता वो लहू चला, गाइए बदन से टपक कर जमीन से लिपट कर बहता लहू वो चला, उभर के उमड़ के Yeah.
का नाम सब नामों से ऊंचा है, यीशु का नाम सब नामों से ऊंचा है, जिंदा है जिंदा यीशु धन्यवाद के साथ धन्यवाद देते हुए इस बात के लिए कि उसने अपने आप को दिया पूरी तरह से खाली होने के लिए, अपने आप को दिया। हम उसको धन्यवाद का भेंट दे रहे हैं आज की सुबह इस बात के लिए कि उसने आपके लिए और मेरे लिए अपने आप को खाली किया। स्वर्ग की महिमा को छोड़कर इस गंदे से अंधकार भरे पृथ्वी पर आया केवल इसीलिए कि वो आपके लिए और मेरे लिए अपने जान को दे।
Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, Rike bebebe shikara baba baba shandoro bori karaba. Oh, Rilla laba shikere berebe shandoro bori karaba. Oh, Rika baba baba shikere bebebe shandoro bori karaba. Oh, Rilla laba shikere berebe shandoro bori karaba. Oh, Rika baba 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 shikere berebe shandoro bori karaba. Oh, hallelujah, 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 oh, hallelujah, oh, hallelujah. Oh, Rika Baba Shikere Bere 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 Shandoro Bori Karaba. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Oh, Rika Baba Shandoro Bori Karaba. Rilla Laba Shikere Bere Bere Shandoro Bori Karaba. Oh, Rilla Laba Shikere Bere 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 Shandoro Bori Karaba. Oh, yes. Jesus. Rika Baba Shakara Baraba Shandoro Bori Karaba. Oh, Rilla Laba Shikere Bere 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 Shandoro Bori Karaba. Oh, Rike Bebe Shakara Baraba Shandoro Bori Karaba. Hallelujah, 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 hallelujah. आइए हम उसकी स्तुति करना ना बंद करें, ऊंची आवाजों में उसकी स्तुति को करें, उसकी आराधना को करें, क्योंकि वो आज भी पृथ्वी पर और स्वर्ग पर राज करने वाला परमेश्वर है। वो आज भी स्वर्ग और पृथ्वी पर अपनी प्रबलता को रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, क्या वो हमारे जीवनों पर राज कर रहा है? हालेलुया, आइए हम उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें, क्योंकि सारी आराधना के योग्य, सारी स्तुति के योग्य वो परमेश्वर है। हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया। वो 24 प्राचीन और सारे स्वर्ग दूत, ओ स्वर्ग का वो दृश्य, हालेलुया, कहते हैं धन्य है वो मेमना, ओ पवित्र पवित्र पवित्र, हालेलुया, वो परमेश्वर जो था, जो है और जो आ रहा है। हालेलुया, जिसके सामने हर घुटना झुक जाएगा, हर जुबान इस बात का अंगीकार करेगी कि वही परमेश्वर है। हालेलुया, ओ रिखा बाबा बा शिखेरे बेरे बे शंदरो बोरी खराबा, ओ रिल्ला लाबा शिखेरे बेरे बेरे बे शंदरो बोरी खराबा। हालेलुया, 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 ओ रिखा बाबा बा शिखेरे बेरे बे शंदरो बोरी खराबा। हालेलुया, हालेलुया, हम उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें। मेरे प्रियो, ये समय चुप रहने का नहीं है, लेकिन हम उसकी आराधना करने के लिए यहाँ पर आए हैं, उसके नाम को ऊंचा उठाएं। ओ जो गीत हमने गाया, हर घुटना टिक जाएगा, हर जुबान इस बात का अंगीकार करेगी कि वही जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया, वो प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, ईश्वरों में सबसे महान परमेश्वर यहोवा, जो हमारी प्रशंसा के योग्य है, हमारी स्तुति के योग्य है। हालेलुया, हालेलुया, ओ रिखा बाबा बा शिखेरे बेरे बेरे बे शंदरो बोरी खराबा, ओ रिल्ला लाबा शिखेरे बेरे बेरे बे शंदरो बोरी खराबा। हालेलुया, 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 ओ रिखा बाबा बा शिखेरे बेरे बे शंदरो बोरी खराबा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रियो, आज की सुबह हो सकता है हम में से कई परमेश्वर के भवन में आए हैं समस्याओं, चुनौतियों और मुश्किलों को लेकर के, लेकिन आज की सुबह ये जो गीत अगर हमने गाया, ये हमारी सच्चाई है, ये हमारा अंगीकार है, अगर ये हमारा विश्वास है, हालेलुया, कि वो राज करे मेरे जीवन में, इस सारी दुनिया पर, मेरे जीवन की हर एक परिस्थिति पर उसका राज होने पाए, तो सच में आज की सुबह हम यहाँ से खाली नहीं जाएंगे। हालेलुया, ओ रिखा बाबा बा शिखेरे बेरे बे शांदोरो बोरी खराबा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी, आज की सुबह हम अपने सरों को आपके सम्मुख झुकाते हैं, और प्रभु जी इस बात का अंगीकार करते हैं कि सच में सारे आदर, सारे महिमा, स्तुति और प्रशंसा के योग्य अगर कोई है,
तो वे सिर्फ तू ही है, क्योंकि तेरे समान कोई दूसरा नहीं, तेरे समान कोई दूसरा नहीं जिसने हमसे ऐसा प्रेम किया कि जगत हमसे नहीं लेकिन पूरे जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। हालेलुया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो लेकिन अनंत जीवन को पाए। हालेलुया। और इसलिए पिता, अगर आज की सुबह हम अपने हाथों को उठाकर आजादी के संग इन स्तुति और प्रशंसा के गीतों को गाते हैं, यह सिर्फ और सिर्फ तेरा अनुग्रह है, यह सिर्फ और सिर्फ तेरी दया है, यह सिर्फ और सिर्फ तेरा प्रेम है पिता, जो तूने हमें छुड़ाया। और इसलिए पिता, आज की सुबह आप अपने लोगों के दिलों को जानने देखने वाले परमेश्वर हैं, आप उनके आंसुओं की परवाह और चिंता करने वाले परमेश्वर हैं पिता। आप उनकी समस्याओं को, उनकी चुनौतियों को, उनकी बीमारियों को, उनके तूफानों को आप जानते हैं पिता परमेश्वर। मेरा प्रार्थना यह है आज की सुबह, ये जो गीत हमने गाया, जीवन की हर एक परिस्थिति में होने दे तू उनके जीवनों पर राज्य करने पाए, उस बीमारी के ऊपर तेरा राज्य प्रबल हो जाए, उन चुनौतियों के ऊपर तेरा राज्य प्रबल हो जाए, ओ पिता परमेश्वर उन बंधनों के ऊपर तेरा छुटकारा प्रबल हो जाए। हालेलुया। ओ पिता परमेश्वर, वो एकांत का समय जब ये परेशान है, निराश है, उस निराशा में तेरी शांति और आनंद प्रबल हो जाए। हालेलुया। पिता आज की सुबह हम आगे के समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं, होने दे तेरा पवित्र आत्मा हमसे बात करे, हमें वो संवेदनशील कान दे, वो मन दे, ताकि हम तुझसे सुनने पाए। सारा आदर और महिमा हम आप ही को देते हैं, प्रभु यीशु के नाम में इस विनती को मांगते हैं। आमेन, आमेन। मेरे प्रियो, आप सब अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं। How big is your God? और आपका परमेश्वर कितना बड़ा है? कितना बड़ा? You will never understand how great is our God. और आप इस बात को कभी समझ नहीं पाएंगे कि कितना महान है हमारा परमेश्वर। He is beyond our comprehension. वो हमारी समझ के परे है। And beyond our description. और हमारे वर्णन से अपार है। We have a human limitation. और हमारे पास एक मानवीय सीमित है, हम मानवीय रूप से हमारे पास एक सीमा है उसका वर्णन करने। There are many mysteries about God which He has not revealed. और कई ऐसे रहस्य हैं परमेश्वर ने अपने विषय में जिनका प्रकाशन उसने हमें नहीं दिया। There are many mysteries of heaven that we have not understood. और स्वर्ग की भी ऐसे कई सारे रहस्य हैं जिनको हम अभी तक समझ नहीं पाए। There are descriptions given in the Bible. और ऐसे कई सारे वर्णन हैं जो बाइबल में भी दिए गए हैं। If you take all these references put together and try to understand how big, ultimate you will have to give up. और अगर आप इन सारे वर्णनों को पढ़ेंगे, देखेंगे, एक साथ ले आएंगे, तब आप सोचेंगे और विचारेंगे और आप खुद भी समझेंगे कितना महान ये परमेश्वर। That's why he is God. और इसीलिए वो परमेश्वर है। As a God, there are certain mysteries that he keeps to himself. और एक परमेश्वर होते हुए कई ऐसी बातें हैं जो रहस्य है जिसे वो अपने तक रखता है। But our God is a great God. लेकिन हमारा परमेश्वर एक महान परमेश्वर। He is greater than all your mountains and all your problems and all your needs. और वो आपकी सारी चट्टानों, सारी पहाड़ जैसी समस्याओं, तूफानों और चुनौतियों से कहीं बड़ा है। And we come here on Sunday morning to celebrate His greatness. और हम हर रविवार की सुबह यहाँ आते हैं उसकी महानता का उत्साह मनाने के लिए। How great He is! कि कितना महान है हमारा परमेश्वर। Is beyond all our understanding. और वो हमारी समझ के परे है। Now, this book is called Bible. और ये जो किताब हमारे हाथ में है, इसे हम बाइबल कहते हैं। How many of you understand the Bible? और आप में से कितने बाइबल को समझते हैं? I am still struggling to understand certain things in the Bible. और कई ऐसी सारी बातें हैं बाइबल में जो मैं अभी तक समझने के लिए प्रयत्न कर रहा हूँ, नहीं आई। And now I thought, I have completed 52 years. This is my 53rd year going on.
और मैंने 52 साल सेवकाई में here in Lucknow. और लखनऊ शहर में उत्तर भारत में मैंने 52 साल सेवा में दे दिए हैं और ये मेरा 53वां साल चल रहा है. I was born in Pentecost. और मेरा जो पैदा है मैं पैदा हुआ एक पेंटेकोस्ट कलीसिया में. And I grew up there. और मेरी मैं वहीं बड़ा. Hearing all the great preachers in Kerala and और बड़े-बड़े महान प्रचारकों के प्रचार सुनते हुए उस केरला के राज्य में. So there was a time I began to think that I know everything. और एक समय ऐसा है जब मुझे लगा रे मुझे सब कुछ पता है. And then the more I read God's word and try to understand, now I realize I don't know anything. और जितना ज़्यादा मैंने परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरू किया, उस पर मनन करना शुरू किया, तब मुझे समझ में आया कि कितना ज़्यादा मुझे नहीं पता है. And many people think we know, but we don't know. और कई लोगों को पता है कि हमें पता है या मैं जानता हूँ, लेकिन उन्हें कुछ नहीं आता. And it is just like Jesus spoke to the Samaritan woman. और ये उसी प्रकार था जैसे यीशु ने सामरी स्त्री से बात किया. If you only knew who is asking you for a cup of water. कि अगर तू सिर्फ इतना जानती ही कि कौन तुझसे पीने के लिए एक प्याला पानी का मांगता है. You would ask me. तब तू मुझसे मांगती. And I would give living water. और मैं तुझे जीवित जल पीने के लिए देता. The ignorance of that woman. Kept a distance from Jesus. और उस स्त्री की ना समझी या वो समझ ना पाना, उसने उस दूरी को प्रभु यीशु मसीह से बना करके रखा. And knowing our limitation, और अपनी सीमा को जानते हुए, this book is God's book. और याद रखिए ये किताब परमेश्वर का वचन है. It is written in our language. और ये हमारी भाषा में लिखी गई है. But what is written in this book cannot be understood or known. By human wisdom. लेकिन जो कुछ भी इसमें लिखा गया है वो हमारे ज्ञान और समझ से, मानवीय ज्ञान और समझ से हम नहीं जान समझ सकते. And Jesus knew it. और यीशु इस बात को जानता है. So he told his disciples. और इसलिए उसने अपने चेलों से कहा. I am going back to heaven. कि मैं तो स्वर्ग जाता हूँ. And once I go to my father. और जब मैं अपने पिता के पास चला जाऊँगा. I will receive from him the Holy Spirit. और मैं उससे पवित्र आत्मा को पाऊंगा. And I will send the Holy Spirit. और मैं उस पवित्र आत्मा को तुम्हारे लिए भेजूंगा. And in John's Gospel chapter 16, he describe what the Holy Spirit will do when he comes. और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय में उसे इस बात का वर्णन करता है कि क्या पवित्र आत्मा करेगा. And so I want to speak to you this morning concerning Holy Spirit, who is our divine teacher. और इसलिए आज की सुबह मैं बात करना चाहता हूँ इस विषय में जिसका शीर्षक है पवित्र आत्मा जो कि हमारा स्वर्गीय शिक्षक है. And so don't think because you come to church you have the Holy Spirit. और ऐसा ना सोचिए कि इस क्योंकि आप रविवार हर रविवार कलीसिया आते हैं इसलिए आपके पास पवित्र आत्मा है. And Pentecostal people have given a wrong impression about the Holy Spirit. और जो पेंटेकोस्ट के विश्वासी हैं उन्होंने पवित्र आत्मा को लेकर एक गलत दृश्य को लोगों को दे रखा है. And you go to a Pentecostal really powerful Pentecostal church. और अगर आप किसी पेंटेकोस्ट की कलीसिया में जाएं जो बड़ा सामर्थ्य चर्च कलीसिया है. They will sing loudly. और वो ऊंची आवाजों में गीत गाएंगे. And then they will shake. और फिर वो हिलना शुरू करेंगे. And then they will speak something which nobody understands. और फिर वो कुछ ऐसी भाषाओं में बात करेंगे जो किसी को समझ में नहीं आता. And so that is called speaking in tongues. और इसे कहते हैं अन्य भाषा में बात करना. See, all these things can happen. और ये सब बातें तो हो सकती हैं. How many of you know our God is an emotional God? क्या आप में से कितनों को पता है कि हमारा परमेश्वर एक भावनात्मक परमेश्वर है? Do you know he is emotional? क्या आपको पता है कि वो एक भावनात्मक परमेश्वर? He gets emotional when he thinks about you. और वो भावनात्मक हो जाता है जब वो आपके विषय में सोचता है. If you have any doubt, you read Zephaniah, prophet Zephaniah chapter 3. और आप ज़फ़नयाह नबी की पुस्तक को अगर पढ़िए अगर आपके हृदय में कोई भी संदेह है इस बात को लेकर. We read about a God who sings over us. हम पढ़ते हैं एक परमेश्वर के विषय में जो हमारे ऊपर अपने गीतों को गाता है. Who claps his hands. और जो अपनी ताली बजाता है. And he gets Holy Spirit is emotional. और पवित्र आत्मा भी भावनात्मक है. You can grieve the Holy Spirit. और आप पवित्र आत्मा को शोकित कर सकते हैं. And he gets grieved. और वो शोकित होता है. Grief is an emotion. और याद रखिए शोक में आना एक
भावना है. Laughter is an emotion. और खुश होना या हंसना भी एक भावना. And our God is a laughing God. और याद रखिए हमारा परमेश्वर भी मुस्कुराता है. He laughs, he smile about all of us. और जब वो हमें देखता है तो प्रसन्न है और मुस्कुराता है. He also laughs at foolish fellows. और वो जो मूर्ख हैं उनके ऊपर हंसता भी है. You read chapter, I mean not chapter, Psalm number is it two? और आप भजन संहिता दो पढ़िए उसमें ये बात मौजूद है. Where the psalmist is saying, why these nations wicked fellows are talking this about destroying God and destroying God's people and all. और क्यों ये दुष्ट राज्य इस बात में चर्चा कर रहे हैं कि वो कैसे परमेश्वर और उसके राष्ट्र को नष्ट करेंगे? After describing all these foolish fellows who try to do. और इन सारे मूर्खों का वर्णन करने के बाद. Then it says. उसके बाद आगे लिखा है. But God sits in heaven, he laughs. परमेश्वर तो स्वर्ग में विराजमान है और वहां से इन्हें देखकर हंसता है. Why? क्यों? You know, when we hear some foolish things, we laugh. और जब हम मूर्खता की बातों को सुनते हैं तो हमें भी हंसी आती है. Our God is an emotional God. हमारा परमेश्वर भावनात्मक परमेश्वर है. And he gets very emotional about his people. और वो अपने लोगों के विषय में बड़ा भावनात्मक हो जाता है. He is very protective of his people. और वो अपने लोगों को लेकर के बड़ा उनका सुरक्षा रखना और Now, उनके लिए वो बड़ी चिंता करता है. So seeing all these things, और इन सारी बातों को देखते हुए, I first visited to a Pentecostal church can go away with a lot of misunderstanding. और अगर कोई व्यक्ति पहली बार किसी पेंटेकोस्ट की कलीसिया में आ रहा है तो कई सारी बातों को गलत समझ के वहां से जाए. What is this Holy Spirit? ये पवित्र आत्मा क्या है? People are shaking. लोग हिल रहे हैं. And they are clapping their hands. और वो तेजी से तालियां बजा रहे हैं. And then they speak something which nobody understands. कुछ भाषाओं में बात करते हैं जिसे कि जो कोई समझ नहीं सकता. That is what they think. और वो ऐसा ही सोचते हैं. They are noise making people. वो आवाज कर शोर मचाने वाले लोग हैं. And babbling something which nobody understands. और वो ऐसा बातों को बोलते रहते हैं, बड़बड़ाते रहते हैं जो कोई समझता नहीं. But I want to know this morning. लेकिन आज की सुबह मैं ये जानना चाहता हूँ. All these things are elementary thing, but the Holy Spirit does more serious things than that. ये सारी बातें तो हैं और जरूरी हैं, लेकिन इससे कई ज़्यादा गंभीर बातें हैं जो पवित्र आत्मा करता है. So I would like to talk about Holy Spirit, our divine teacher. और इसलिए मैं बात करना चाहता हूँ पवित्र आत्मा जो कि हमारा स्वर्गीय शिक्षा है. शिक्षक है. There are two great personalities about whom we have almost forgotten. और दो ऐसे महान व्यक्तित्व हैं या बड़ी व्यक्तित्व हैं जिनके विषय में हम लगभग भूल चुके हैं. Number one is devil. पहला है शैतान. And about the devil, the Bible says he is a father, he is a liar. और he is also the father of lies. और वो शैतान के विषय में बाइबल बताता है कि वो झूठ बोलता है और झूठों का पिता है. So if everybody is sitting and listening to me, और अगर आप में से कोई बैठा जो मुझे सुन रहा है, if you have a lying nature, और अगर आपके पास झूठ बोलने का स्वभाव है, you are following your leader who is the devil. तब आप अपने अगुए का पीछे चल रहे हैं जो कि शैतान है. So make sure that you do not speak lies. और इसलिए इस बात को सुनिश्चित करिए कि आप झूठ ना बोलें. Because the devil is a liar. क्योंकि शैतान तो झूठ बोलता है. And he also simply don't tell lies, but he also produces lies. और सिर्फ झूठ बोलता नहीं, लेकिन झूठ को उत्पन्न भी करता है. He causes people to tell lies and deceive people. और वो लोगों को मजबूर करता है या ऐसे मौके देता है कि वो दूसरों को धोखा दें और झूठ बोलें. So as believers and as followers of Jesus Christ, we need to be very careful about our speech. और इसलिए विश्वासी प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी और अनुयायी होते हुए हमें हमारी बातें के प्रति बहुत ध्यानपूर्वक रहना है. We need to be filled with the Holy Spirit. हमें पवित्र आत्मा से भर जाना है. The Holy Spirit comes upon us. क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आता है. Not just to clap our hands fast and sing songs fast and then make noises. ना केवल इसलिए कि हम जोर से ताली बजाएं और ऊंची आवाजों में प्रार्थना स्तुति करें. But don't condemn those who have
express these emotions. लेकिन उन पर आप दोष ना लगाएं जो ऐसा करते हैं. Because they are happy. क्योंकि वो खुश हैं. But the problem is, those of you who have that experience, don't just be satisfied only with that. लेकिन आप में से जितनों को वैसा अनुभव होता है, आप सिर्फ उतने से तृप्त ना हो. You need to grow. आपको बढ़ना जरूरी है. Even speaking in tongues. और यहाँ तक कि अन्य भाषा में बोलना भी. Initially, when you speak in tongues, it may be just one or two words. जब आप शुरुआत इसकी करेंगे, तो हो सकता है एक या दो शब्द हो. But the Holy Spirit does not give anything else but a language. और इसलिए पवित्र आत्मा और कुछ नहीं लेकिन एक भाषा को देता है. You know, some people when they speak in tongues, और जब कुछ लोग अन्य भाषा में बात करते हैं, they produce only one word. वो सिर्फ एक ही शब्द को निकालते हैं. Maybe ba 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 ba. Initially it may be true. और हो सकता है शुरुआत में ये सत्य है. Because just like children. जैसे बच्चों के समान. You know, when children try to speak, जब बच्चे बोलना शुरू करते हैं, it sounds the same thing. They are also like that. वो भी इसी प्रकार से बोलना सीखते हैं. बा 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 बा. But the children does not remain there. लेकिन बच्चे उसी स्थान पर बने नहीं रहते. And a 10-year-old, और एक 10 साल का बच्चा, if he still trying to speak ba 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 ba, there is something wrong. We get very much concerned. तब एक 10 साल का बच्चा अगर अभी भी वही शब्द दोहरा रहा है जो बचपन में दोहरा, तब कोई गलत है, उसके संग कुछ गलत है और हम चिंता करने लगे. You are ba 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 ba, so must be improved and become a language. और आपका ये जो शुरुआत जहाँ से हुई है उनसे आगे बढ़कर इन शब्दों को एक भाषा में बढ़ना है. And the Holy Spirit gives you a language of prayer. और पवित्र आत्मा आपको प्रार्थना के लिए एक भाषा देता है. And so we must grow. और इसलिए हमें बढ़ना है. The initial stages are not wrong. और जो शुरुआती चढ़ाव हैं या पड़ाव हैं वो गलत नहीं है. They are there in all the children. वो तो सभी बच्चों में होते हैं. But then they grow. लेकिन वो बढ़ते हैं. And as we grow, और जैसे हम बढ़ते we expect our children's habit also to grow. हम ये भी आशा लगाते हैं कि हमारे बच्चों की आदतें भी बदलेंगी. You know, a 6 months old or even an 1 year old child. और एक 6 महीने या 1 साल का बच्चा, he goes around putting his thumb. वो इधर उधर घूमता रहता है अंगूठे को अपने मुंह में चूसते हुए. And we all look at and say, how sweet. और हम उसको देखकर कहते हैं कितना प्यारा बच्चा है. But suppose a 10 year old. लेकिन एक 10 साल का बच्चा यही काम करे, still अंगूठा चूस रहा हो. Do you say it is sweet? क्या आप कहेंगे कि वो अच्छा दिख रहा है? No, एक वन तापड़ ही कर दिया. As you grow, there must be growth in every aspect. जैसे आप बढ़ते हैं तो हर एक आयाम में आपको बढ़ना है. So Holy Spirit comes and given us, He becomes our teacher. और इसलिए पवित्र आत्मा आता है और हमारा शिक्षक बनता है. Without the Holy Spirit we cannot understand. और बिना पवित्र आत्मा के हम समझ नहीं सकते. That the devil is a liar and he is the father of lies. और शैतान तो झूठा है और सारे झूठों का पिता है. And the second personality is the Holy Spirit. और जो दूसरा व्यक्तित्व है वो है पवित्र आत्मा. The spirit of truth. और वो है सत्य का आत्मा. The other one is the spirit of lies. दूसरा जो अभी हमने पहला बात किया, पहला जो है झूठ का आत्मा. The Holy Spirit is the spirit of truth. लेकिन पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है. You will notice this day both are very aggressively active these days. और आप इस बात को देखेंगे कि इन दिनों में ये दोनों ही व्यक्तित्व बड़े बढ़ चढ़ करके आगे लोगों में दिखते हैं. The spirit of lies also is very active these days. और आप देखेंगे झूठ का आत्मा भी बड़े कार्यशील रूप से लोगों के अंदर काम कर रहा है. And what is the devil's purpose? और इस शैतान का उद्देश्य क्या है? In the last days, the Bible says. और बाइबल बताती है अंत के दिनों में. Their activities will intensify. ऐसे कार्य और बढ़ते चले जाएंगे. And the devil will intensify his activities. The purpose is to destroy human race. और शैतान अपने कार्यों को और तेजी से आगे बढ़ाएगा और उसका उद्देश्य होगा कि किसी रीति से मानव जाति को नाश की ओर ले जाए. If you just study what is happening with the young people of today. और अगर आप सिर्फ इस विषय में पढ़िए कि इन दिनों में जवान लोगों के संग क्या हो रहा है. And also elderly people. और जो वृद्ध लोग हैं. The greatest problem that is being faced by everyone is
कम्युनिकेशन और जो सबसे बड़ी समस्या जिसका सामना सब लोग करते हैं वो है आपस में बातचीत इन हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑन होम कम्युनिकेशन इज निल और सैकड़ों हजारों और लाखों और करोड़ों घरों में ऐसा हो गया है कि आपस में बातचीत है ही नहीं एंड व्हाट इज द टूल द डेविल इज यूजिंग और शैतान कौन से यंत्र का प्रयोग कर रहा है दिस स्मॉल इंस्ट्रूमेंट और इस यंत्र का प्रयोग करता है द वाइफ हैज टू ऑफ दिस और पत्नी के पास दो हैं हस्बैंड आल्सो हैव थ्री और फोर और हस्बैंड के पति के पास तीन चार फोन हैं ऑल द चिल्ड्रन हैव एट लीस्ट वन और सारे बच्चों के पास कम से कम एक फोन तो है टू द एक्सटेंट और यहां तक कि दैट इवन एन इन्फेंट चाइल्ड विल नॉट ड्रिंक मिल्क अनलेस यू गिव वन ऑफ दिस इन हिज और यहां तक कि अब ये नौमत आ गई है कि एक नवजात शिशु भी तब तक दूध नहीं पिएगा खाना नहीं खाएगा जब तक आप मोबाइल फोन नहीं देंगे आई हैव सीन इट इन डजंस ऑफ होम और मैंने इस बात को दर्जनों के रूप में घरों में होते हुए देखा मम्मी इज ट्राइंग हार्ड और जो माँ है वो बड़ा प्रयत्न करती है पास्टर इट इज वेरी difficult to feed he won't eat anything aur paswan ye to bada mushkil hai jab tak mobile na dikhao ye kuch khayegi nahi don't tell the pastor that ab paswan ko ye sab mat bataiye you blame yourself aap apne aap par dosh lagaiye simply because you have some money kyunki aapke paas kuch paisa hai don't spoil your children apne bachcho ko barbaad mat kariye as even a small child today can operate I thank god I don't know how to operate this instrument properly aur yahan tak ek chhota sa bachcha bhi is yantra ko mobile phone ko chala leta hai lekin dhanyawad ho parmeshwar ka main aaj bhi isko chalane mein mujhe bada samasya hota hai I don't know how to open various applications ab mujhe nahi pata jitni bhinn bhinn prakar ki apps hai unko kaise chalate hain so I have to depend on my children aur isliye mujhe apne bachcho ke upar nirbhar rehna padta hai you know you can do business and all that but what I am telling is Nobody talks at home. Everybody is busy with this. और कोई भी घर पर बात नहीं करता है लेकिन सब इस मोबाइल फोन में व्यस्त है यू नो व्हेन अ पर्सन ड्राइविंग मोटरसाइकिल और जब एक व्यक्ति मोटरसाइकिल चला रहा है इन अर्ली डे आई यूज्ड टू सी दे हैव दिस फोन कीपिंग हियर एंड देन कीप ऑन टॉकिंग एंड ड्राइविंग तब वो इस प्रकार से गर्दन झुका के फोन को पकड़े रहते हुए मोटरसाइकिल चला रहे हैं so he is so used to it, और अब वो इतना इसमें उनमें स्वाभाविक रूप से रंग गए हैं even when there is no telephone, he still is at this right. जहां कि अब टेलीफोन नहीं है फिर भी गर्दन टेढ़ी है बी केयरफुल सावधान रहे Parents don't destroy your children. और माता पिता अपने बच्चों को बर्बाद ना करें. These instruments have already killed lakhs and lakhs of people all over the world. और इस यंत्र ने मोबाइल फोन ने लाखों की संख्या में जवानों की जान पहले ही ले चुकी है. And what does it do? और ये क्या करता है? It bring conflicts and separations in the home. और ये घरों में लड़ाइयों को और एक दूसरे से दूसरों को अलग करता है फ्रस्ट्रेशन और तनाव लाता है लर्न टू कंट्रोल द यूज ऑफ दिस और सीखिए कि कैसे सीमित रूप से आप इस यंत्र का आई हैव अ बेस्ट आई हैव वन ऑफ माय बेस्ट पास्टर फ्रेंड्स इन चेन्नई और मेरे एक बहुत ही बढ़िया पासवान मित्र हैं जो कि चेन्नई में है He doesn't have a cell phone. उनके पास कोई सेल फोन ही नहीं है So very difficult to get through to तो उनसे बात करना बड़ा मुश्किल है And then there is another pastor. He was my classmate in Bible college. और एक दूसरे पासवान है जो बाइबल कॉलेज में मेरे संग हम लोगों ने एक ही कक्षा में पढ़ाई किया You call him. उनको आप कॉल करिए He will not respond. और तब वो आपके फोन का कॉल का उत्तर नहीं देंगे So we were asking him, what happened? Why don't you pick up the phone? तो मैंने उनसे पूछा क्या हुआ तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठाते? He said, उन्होंने कहा Why should I pick up? मैं क्यों उठाऊं? I have this instrument. मेरे पास ये यंत्र है But it is only when I want to call somebody, I call. ये तभी मैं इसका प्रयोग करता हूँ जब मैं किसी से बात करना चाहता हूँ Not for anything else. और किसी बात के लिए नहीं And then I had another my leader. He went to be with the Lord. और मेरा अगुवे थे जो मेरे अगुवे थे वो अब परमेश्वर के संग हैं And he also had a phone like this. उनके पास भी एक ऐसा ही फोन था But very wisely he wrap up his phone and keep it in his bag even if it rings nobody hear it. He doesn't hear. सावधानी से अपने फोन को ढक करके अपने बैग में दबा करके चलते थे कि अगर बजे भी तब भी ना सुनाई दे पेरेंट्स प्लीज
Don't spoil your children. माता-पिता कृपया कर अपने बच्चों को बर्बाद मत करें. These two, the devil is using this instrument so effectively to destroy humanity. शैतान इस मोबाइल फोन या इस यंत्र का प्रयोग बड़ी अच्छी रीति से कर रहा है कि किसी रीति से वो मानव जाति का नाश करे. When we were growing up, जब हम बड़े हो रहे थे, we used to have all the meals together as a family. तब सारे समय का खाना, तीन समय का खाना हम एक पारिवारिक रूप से एक साथ खाते थे. We are served together. हमें एक साथ ही परोसा जाता था. We prayed together. हम एक ही साथ प्रार्थना करते. We sing songs together. हम एक साथ गीत भी गाते थे. We go to bed after prayer. और प्रार्थना के बाद हम सोने जाते थे. There was communication. और हमारे बीच में बातचीत थी. And fellowship. और एक सहभागिता थी. That drew the families together. और इस रीति से पूरा परिवार एक साथ बंधा रहता था. Today, लेकिन आज the children are out in the street with the phone. और जो बच्चे हैं वो सड़क पर हैं या कहीं और हैं अपने मोबाइल फोन के साथ. Husband is busy with his phone. और जो हस्बैंड पति है वो अपने मोबाइल फोन में व्यस्त हैं. And wife also is very happy. और पत्नी भी बड़ी खुश है. Because then she can use hers. क्योंकि वो भी अपना आप मोबाइल फोन प्रयोग कर सकते हैं. कम्युनिकेशन, कोई भी बातचीत आपस में नहीं है. प्लीज कीप कम्युनिकेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ वेरी क्लियर एंड कॉन्स्टेंट. कृपया करके पति पत्नी के बीच में जो बातचीत है, सहभागिता है, उसे आप करिए और उसे बरकरार बनाए रखिए. ब्रिंग अप अ चाइल्ड एज ही शुड ग्रो. और एक बच्चे को वैसे ही बड़ा करिए जैसे उसे बड़ा होना चाहिए. टिल अ सर्टेन एज. और एक उम्र सीमा तक. योर चाइल्ड इज अंडर योर कंट्रोल. एक बच्चा आपके नियंत्रण में रहता है. दैट इज द टाइम यू मस्ट ट्रेन हिम. और उसी समय के अंतराल में आपको उसको प्रशिक्षण देना है. एंड डोंट वेट टिल ही इज 2 or 3 or 4 टू डिसिप्लिन. और 2, 3, 4 साल का होने का इंतजार मत करिए जब आप उसे अनुशासित करेंगे. डिसिप्लिन हिम इवन दो ही कैनॉट टू से मामा. और उसे अनुशासित करिए भले ही वो मुंह से मम्मा ना कह पाता हो. He will understand. वो इस बात को समझेगा. And he will grow up. और वो बड़ा होगा. And this is my counsel. और यही मेरा परामर्श है आप सबके लिए. But how about the Holy Spirit? लेकिन पवित्र आत्मा के लिए मैं क्या कहूँ? What is he busy in? और पवित्र आत्मा किस बात में व्यस्त है? The devil is busy in destroying humanity. शैतान तो व्यस्त है कि मानव को नाश की ओर ले जाए. But the Holy Spirit is busy. लेकिन पवित्र आत्मा व्यस्त है. And is very active today in saving people. और बड़ा ही कार्यशील है ताकि लोगों को बचाए. Hallelujah. Hallelujah. These two powers are active. और ये दो शक्तियां हैं जो काम कर रही हैं. Human race, the Holy Spirit wants to save human race. By drawing them to Jesus Christ, the Savior. और वो पवित्र आत्मा मानव जाति को बचाना चाहता है उन्हें परमेश्वर पिता की ओर खींचने के द्वारा. So parents, you be filled with the Holy Spirit. और इसलिए माता पिता आप पवित्र आत्मा से भर जाएं. And you discipline your children. और अपने बच्चों को अनुशासित करें. And keep them under you as long as you are able to. और उन्हें अपने नियंत्रण में रखें जब तक आप रख सकते हैं. And when he is old, और जब वो बड़े हो जाएंगे, even if he goes into the world for some time, मान लीजिए कुछ समय के लिए वो संसार में भी जाए, what training you have given, जो प्रशिक्षण आपने उसे दिया है, will bring him back. वो प्रशिक्षण उसे वापस ले आएगा. Hallelujah. Hallelujah. I had 2 older brothers. मेरे पास 2 बड़े भाई थे. We were growing up, we have never seen our older brothers. और जब हम बड़े हो रहे थे तो हमने अपने बड़े भाइयों को नहीं देखा. They used to fight and fight every day. वो हर दिन लड़ाई करते थे. And my parents were in trouble. और मेरे माता पिता बड़ी समस्या में थे. And then they both left home. और उसके बाद वो दोनों घर छोड़कर चले गए. For many years. और कई सालों तक. But our only joy is. लेकिन हमारा एक ही आनंद सिर्फ यही. Both of them returned. दोनों ही वापस लौट आए. And both of them died, but they died as believers. दोनों की मृत्यु हुई, लेकिन दोनों ने प्रभु को जाना और ग्रहण किया. How did that happen? ये कैसे हुआ? The childhood. उनके बचपन के समय. Our parents. हमारे माता पिता. My mother used to pray in the night. मेरी माँ रात में उनके लिए प्रार्थना किया करती थी. Therefore, और इसलिए, never neglect your responsibility. कभी भी अपनी जिम्मेदारी से मुंह ना फिराएं.
trust the Holy Spirit. पवित्र आत्मा पर भरोसा रखें. Be filled with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से भर जाएं. And the Holy Spirit will teach you. और पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा. The result of the activities of both the devil and the Holy Spirit is this. और शैतान के कार्य और पवित्र आत्मा के काम के जो परिणाम स्वरूप जो काम होते हैं वो ये हैं. A section of humanity remain as sinners. और मानव जाति का एक भाग पापियों के रूप में बना रहता है. And they're destined to hell and eternal damnation. और उनका अंत उस अनंत नर्क में और दोष के साथ होगा. While the rest of mankind, लेकिन जबकि बची हुई मानवता is made new creations in Jesus Christ, उन्हें प्रभु यीशु मसीह में एक नई सृष्टि बना दिया गया है, by faith in Christ, और प्रभु यीशु मसीह पर अपने विश्वास के द्वारा, and a savior he saves them, और एक उद्धारकर्ता होते हुए वो उन्हें बचाता and है, they are destined for heaven, और उनका जो अंत होगा वो स्वर्ग में होंगे. Hallelujah. Hallelujah. That's how I am destined for heaven. और इसीलिए मुझे भी स्वर्ग के लिए रखा गया. How many of you have that confidence? आप में से कितनों के पास ये हियाव भरोसा? I am destined for heaven. कि मैं स्वर्ग के लिए रखा गया. Hallelujah. Hallelujah. If today is the last day of my life. और अगर मान लीजिए आज का दिन आपके जीवन का अंतिम दिन है. I know where I am. तब मैं जानता हूँ मैं कहाँ जाता हूँ. Do you have that assurance? क्या आपके पास ये भरोसा है? Hallelujah. Hallelujah. Praise God for the Holy Spirit's work. परमेश्वर के नाम का स्तुति हो उसके पवित्र आत्मा के कामों के लिए. Many of you are sitting here because of the Holy Spirit's work. आप में से कई आज की सुबह यहाँ बैठे हैं उस पवित्र आत्मा के कारण. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. And Jesus Christ is coming. और याद रखिए यीशु मसीह आ रहा है. He is coming first to rapture the church. और वो आ रहा है कि पहले अपनी कलीसिया को उठा ले. And he will take us where? और वो हमें कहां ले जाएगा? To his own presence. वो हमें अपनी उपस्थिति में ले जाएगा. To heaven. स्वर्ग में. Hallelujah, with Jesus. यीशु के साथ. Amen. Amen. That is the hope. और यही हमारी church. आशा है. यही कलीसिया की आशा है. And thus we shall be there with Jesus in heaven forever and ever. और हम यीशु मसीह के संग स्वर्ग में होंगे हमेशा के लिए. But लेकिन it is while we are alive here on earth that we must prepare to be caught up. ये तो तब है जब हम इस पृथ्वी पर हैं हम अपने आप को तैयार करें ताकि जब उसका आगमन हो तो वो हमें उठा ले. What am I talking? तो मैं क्या कह रहा हूं? Every sinner needs a savior. हर एक पापी को एक मोक्षकर्ता एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है. Amen. Amen. Every sinner needs a savior. और हर एक पापी को उस उद्धारकर्ता की आवश्यकता है. And a sinner becomes a saint when Jesus lives in him. और एक पापी एक संत बन जाता है जब यीशु उसके भीतर वास करता है. Amen. Amen. So every saint need a divine teacher. और इसलिए याद रखिए हर एक संत को एक स्वर्गीय शिक्षक की आवश्यकता है. Amen. Amen. It is very interesting. और ये काफी रोमांचक है. In promising the gift of the Holy Spirit, और पवित्र आत्मा के वरदानों का वादा करने के द्वारा, Jesus in John's Gospel chapter 14, यीशु ने यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय, verse 26, 26वां वचन, will you read that? परंतु सहायक, अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा. Amen. That is the work of the Holy Spirit. और यही पवित्र आत्मा का काम है. He will, when he comes, he will teach you everything. जब वो आएगा तो हमें सारी बातें सिखाएगा. And he will also remind you and makes things clear whatever I have taught. और वो हमें उन सारी बातों को याद दिलाएगा उन बातों को स्पष्ट करेगा जहां हमें समझने की जरूरत. This is the ministry of the Holy Spirit. और ये पवित्र आत्मा का सेवा है. Please understand. कृपया करके इस बात को समझिए. The Holy Spirit is given to you not only to speak in tongues. और पवित्र आत्मा सिर्फ आपको इसलिए नहीं दिया गया कि आप अन्य भाषा में बात करें. When you speak in tongues,
जब आप पवित्र आत्मा में बात करते हैं, you don't understand what you are saying, भले ही आप इस बात को ना समझे जो आप बोलते हैं. Now, concerning speaking in tongues, और जब अन्य भाषा में बात करने की बात आती है, don't doubt, इसको संदेह ना करें. Because when the Holy Spirit comes upon you, speaking in tongues is something that happens. जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा तो अन्य भाषा में बात करना भी होगा. So many doubters are there in the world. और कई सारे संदेह करने वाले इस संसार में हैं. So recently a test was done in the United States. हाल ही में अमेरिका में एक परीक्षा को रखा गया. Apostle Paul said, पौलुस प्रेरित ने कहा, I will pray in the spirit, और मैं आत्मा में प्रार्थना करूंगा. I also pray with my mind, लेकिन मैं अपने मन के साथ या बुद्धि के साथ भी प्रार्थना करूंगा. I sing in the spirit, और मैं आत्मा में गाऊंगा. I also sing with my mind, लेकिन मैं बुद्धि के साथ भी गाऊंगा. And when I sing with my mind and pray with my mind, I do it with understanding. और जब मैं अपनी बुद्धि से गाता और प्रार्थना करता हूं तो मैं अपने समझ के अनुसार उस बात को करता हूं. When I pray in the spirit, लेकिन जब मैं आत्मा में प्रार्थना करता हूँ, and sing in the spirit, और जब आत्मा में गाता हूँ, my mind is silent, तब वो मन या वो बुद्धि शांत हो जाती है. So some experts, you know, they made a test recently. I don't know how long ago, they wanted to confirm what Apostle Paul was saying. और इसीलिए कुछ वैज्ञानिकों ने एक प्रशिक्षण को किया, एक टेस्ट को किया, क्योंकि वो देखना चाहते थे कि पौलुस ने जो कहा है क्या वो सच में सच है. When my mind is silent, when my spirit is active. क्या आत्मा जब कार्यशील है तो मन या बुद्धि या दिमाग शांत हो जाता है. You know our brain. हमारा दिमाग, a part of the brain helps us in our speech. और एक भाग हमारा दिमाग का हमारा सहायता करता है बोलने में, understanding. और समझने में भी. Brain is an amazing thing. और ये जो दिमाग है एक अद्भुत रचना है. Oh, only God can create that. और सिर्फ परमेश्वर ही इसे बना सकता है. And I was shocked when I learned many years ago that this brain is something that is like floating. It is not fixed in anything. It is just inside the skull. Just, and that brain has no feeling. और मुझे ये बात जब मैंने कुछ सालों पहले जानी तो मैं बड़ा अचंभित रह गया कि जो दिमाग है ये खोपड़ी के अंदर जो सिर के भीतर जो है तैरता रहता है और ये जो है अस्थाई है, मतलब हिलता रहता है. I mean, it has no feeling. और इसमें कोई भावना नहीं है. You can stab the brain, it doesn't feel. और आप दिमाग पर जो है पैर के नीचे दबा दीजिए, वो उसको कोई भावना, उसको कोई महसूस नहीं होगा. We have some doctors in this church. और इस कलीसिया में कुछ डॉक्टर्स भी हैं. You can ask, we have one doctor here now sitting. और एक डॉक्टर अभी है जो हमारे सामने हमारे संग बैठे भी हैं. The brain doesn't feel. और जो दिमाग है वो इस बात को महसूस नहीं करता. But when something happened to us, लेकिन जब कुछ हमें होता है, the brain is the first part of our body that detect it. लेकिन दिमाग ही शरीर का वो पहला अंग है जो उस भावना को महसूस करता है. Accidentally, if my put my finger in a fire, और मान लीजिए अगर गलती से मैं अपनी उंगली को आग के ऊपर ले आऊं, I feel that burning sensor immediately pull my. वो जलने का जो भावना है वो मुझे महसूस होगा और मैं तुरंत ही अपना हाथ पीछे खींच लूँगा. But who helps me to do that? लेकिन ये करने के लिए मेरा सहायता कौन करता है? It is the brain. ये मेरा दिमाग. First the message is sent to the brain. पहला जो संदेश है वो दिमाग तक भेजा जाता है. पापी मता, his finger is in danger. कि मेरा जो उंगली है वो आग पर है. And brain send back to this hand of mine, pull your hand. और वो दिमाग जो है ये निर्देश को देता है उंगली को पीछे हटने के लिए. And that's when you pull your hand. और तब आप अपने हाथ को पीछे घसीटते हैं. How much time it took? और ये कितना समय लगता है? Simultaneously. और ये तुरंत ही हो जाता है. Amazing, isn't it? ये अद्भुत है. See, this is the problem with lepers. Lepers lose their fingers and toes and everything not because of the disease. और याद रखिए यही समस्या कोड़ियों के संग है. वो अपने अंगों को, उंगलियों को, खाल को, त्वचा को खो देते हैं इसलिए नहीं क्योंकि वो कोड़ उन्हें बीमारी है. Because they have the leprosy. और क्योंकि उन्हें कोड़ है. They have no feeling. उनके पास कोई भावना नहीं है दर्द की.
So their fingers and then, you know, they can go into anything. Glass pieces can go in, and the small stick pieces can go in. They don't feel anything, and that's what caused the loss of all these things. और जब वो चलते हो सकता है कांच का टुकड़ा अंदर चले जाए, कोई छोटी लकड़ी अंदर चले जाए, और इसी कारणवश उनको वो घाव होते हैं और वो अंग काटना पड़ता है. So if you have pain, और अगर इसलिए आपको दर्द महसूस होता है, thank God, परमेश्वर का धन्यवाद करें. There is a blessing in pain. क्योंकि दर्द में भी परमेश्वर ने एक आशीष को रखा. You ask a leper what he wants. और आप एक कोड़ी से पूछिए उसे क्या चाहिए. If I could only have the feelings. वो बोलेगा सिर्फ क्या मुझे इतना वापस मिल जाए कि मैं फिर से दर्द महसूस कर सकूं. Feeling of pain. वो दर्द की भावना मुझे वापस मिले. Some sensation. कुछ तो भावना मिले. So don't complain about pain. और इसलिए दर्द के लिए शिकायत ना करिए. I started telling me, Pastor, I have this pain here, and I always say, thank God. मैं कहता हूँ आप उस दर्द के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करिए. He says, what, Pastor? You are thanking God for my pain. और आप कहेंगे अरे पासवान आप मेरे दर्द के लिए परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं. I say yes. और मैं कहूँगा हाँ. You know why? आपको पता है क्यों? Now I know you are still alive. क्योंकि अब मैं जानता हूँ कि तुम अभी भी जीवित हो. If you are not alive, you don't feel the pain. क्योंकि अब अगर जीवित ना होते तो दर्द भी ना होता. Praise the Lord. परमेश्वर के नाम का स्तुति हो. A sinner needs a divine savior. और याद रखिए हर पापी को एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है. And a saint needs a divine teacher. और हर एक संत को एक स्वर्गीय शिक्षक की आवश्यकता है. And in promising the gift of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा का वादा करने के द्वारा. Jesus said what we have read here. और यीशु ने उसी बात को कहा जो हमने अभी इस वचन में पढ़ा. What will he do? वो क्या करेगा? So let me tell you about this test they went through. और ये प्रशिक्षण जो ये परीक्षा उन्होंने ली इसके विषय में बता दूँ. What Paul means when I sing in the spirit and pray in the spirit, my mind is silent. जब पॉलस ने कहा जब मैं आत्मा में गाता और प्रार्थना करता हूँ मेरी बुद्धि मेरा दिमाग शांत हो जाता है. So they brought a Pentecostal pastor. तो एक पेंटेकोस्ट के पासवान को वहाँ ले आए. Who speak in tongues. जो अन्य भाषा में बात करता है. And so they told him what they want him to do. और उन्होंने वो सारी बात उसे समझाई जो प्रशिक्षण या परीक्षा वो लेना चाहते थे. So he was laid down. और उसे लेटा दिया. And connected all the wires from all these places to a machine. और एक मशीन से उनकी पूरी देह को उनके पूरे शरीर को जोड़ दिया. And then they told this pastor. और इस पासवान से कहा. Pastor, we know that you speak in tongues. और कहा पासवान हम जानते हैं कि आप अन्य भाषा में बात करते हैं. So while you are here. और जब आप यहाँ पर हैं. And we want to make a test. हम एक परीक्षा को लेना चाहते हैं. And so you pray. आप प्रार्थना करिए. And you speak in tongue. और आप अन्य भाषा में बोलिए. So he started praying. और उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया. You know, Pentecostals can speak in tongues anytime. और जो पेंटेकोस्ट के विश्वासी है वो कहीं पर भी अन्य भाषा में बात कर सकते. And so after 2 minutes of prayer. और 2 मिनट की प्रार्थना के बाद. At that time. उस समय. His mind was very active. उनका जो दिमाग था जो मन था वो बहुत ही कार्यशील. That part of brain that vibrate and become active when you do things with your mind. और वो भाग उनके दिमाग का बड़ा कार्यशील था जब वो प्रार्थना कर रहे थे. And then suddenly he started speaking in tongues. लेकिन अचानक से उन्होंने अन्य भाषा में बात करना शुरू. And as soon as started speaking in tongues. लेकिन जैसे ही अन्य भाषा में बात करना शुरू किया. The brain became completely silent. तब जो दिमाग था एकदम से शांत हो गया. No activities. कोई भी काम उसमें नहीं हो रहा था. Why? क्यों? Because the mind could not understand what is happening. क्योंकि दिमाग को ये समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है. That is what Paul says. और इसी बात को पौलुस कहता है. When I sing or pray in the spirit. जब मैं आत्मा में प्रार्थना या गाता हूँ. My mind is silent. तब मेरा दिमाग शांत हो जाता है. But then when I speak in my own language. लेकिन जब मैं अपनी भाषा में बात करता हूँ. That's why he said I can sing in the spirit. I can also sing with my mind. और इसीलिए वो कहता है कि मैं अपनी आत्मा से भी गा सकता हूँ और अपनी बुद्धि से भी गा सकता हूँ. I pray with my mind. I also pray in the spirit. और मैं अपनी आत्मा से भी प्रार्थना कर सकता हूँ और मन से या बुद्धि से भी प्रार्थना कर सकता हूँ. The Holy Spirit is real. और पवित्र आत्मा की आवश्यकता हमें. His activities are real. और उसका जो काम है पवित्र आत्मा को वो वास्तविक है, and सच so है. Let us all
be filled with the Holy Spirit. और आइए हम सब पवित्र आत्मा से भर जाएं. Seek the Lord. परमेश्वर को निहारें. And Jesus Himself said. और यीशु ने खुद ही कहा. If you wicked fathers are willing to give good gifts to your children. जब तुम दुष्ट पिता जानते होगे कैसे भले वस्तुओं को अपने बच्चों को दें. How much more is willing to give the Holy Spirit to those who ask Him. तब कितना ज़्यादा वो उनको वो पवित्र आत्मा देने को तैयार है जो मांगने को उससे चाहते हैं. There must be a hunger. और एक भूख हमारे अंदर होनी चाहिए. A real desire to be filled with और एक ऐसी इच्छा कि मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ चाहता हूं. And I pray that all of us as believers be filled with the Holy Spirit. मेरी प्रार्थना यही है कि हम सब प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी होने के नाते पवित्र आत्मा से भर जाएं. He shall teach you. और वो आपको सिखाएगा. We are told concerning the son born to Mary. और जो मरियम को जो पुत्र पैदा हुआ उसके विषय में हमसे कहा गया है. What will he do? वो क्या करेगा? He shall save his people. वो अपने लोगों को बचाएगा. Concerning the Holy Spirit, it says. वो पवित्र आत्मा के विषय में ये कहता है. He shall teach you. वो हमें सिखाएगा. So the Son of God, born of Mary. और इसलिए परमेश्वर का पुत्र जिसने मरियम से जन्म लिया. He will save people. वो लोगों को बचाएगा. And those who are saved, और वे जो बचा लिए जाएंगे, the Holy Spirit teaches them. पवित्र आत्मा उन्हें सिखाएगा. So we need a savior. और इसलिए हमें एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है. And thank God, Jesus the Savior. और धन्यवाद हो परमेश्वर का कि प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धारकर्ता है. Shall we lift up our hands and say, "Thank you, Jesus"? और आइए हम अपने हाथों को उठाकर कहें धन्यवाद यीशु. What a wonderful savior we have. कितना अद्भुत उद्धारकर्ता हमारे पास है. Hallelujah. Hallelujah. And such saved people. और ऐसे बचाए हुए लोग. Concerning the Holy Spirit, पवित्र आत्मा के विषय में, Jesus said, यीशु कहता है, He will teach you. वो पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा. So we need the Holy Spirit that we may learn. और इसलिए पवित्र आत्मा पर विश्वास करिए और निर्भर हो जाइए ताकि so हम सीखें. Jesus will save sinners. और इसलिए यीशु पापियों को बचाएगा. And the Holy Spirit will teach the saints. और जो पवित्र आत्मा है वो संतों को सिखाएगा. Why this divine teacher is needed? और क्यों इस दैवीय शिक्षक की जरूरत हमें है? There are three reasons. तीन कारण हैं. I will go real fast. और बहुत जल्दी मैं आगे बढ़ूंगा. Number one, पहला कारण, we need a divine teacher. और हमें एक दैवीय शिक्षक की आवश्यकता है. Because the things of God knoweth no man. क्योंकि परमेश्वर की बातों को कोई पर मनुष्य नहीं जान सकता. 1 Corinthians 2:11. पहला कुरिन्थियों उसका दूसरा अध्याय 11वां वचन. No one knows the things of God. कि कोई भी परमेश्वर की बातों को नहीं जानता. That's why you talk about the Bible and all that, the worldly man never understands. और इसीलिए जब आप वचन का बाइबल के विषय में बात करते हैं एक सांसारिक मनुष्य को यह समझ में नहीं आता. To grasp what the Bible means. ताकि वो समझे कि इस बाइबल का इस वचन का क्या मतलब है. Can you read that? Anybody found 1 Corinthians 2:11? पहला कुरिन्थियों दूसरा अध्याय 11वां वचन. Whatever belongs to God, और जो कुछ परमेश्वर का है, no one knows the things of God. कोई भी परमेश्वर की बातों के विषय में नहीं. Except the Holy Spirit. सिर्फ पवित्र आत्मा के. And so the Holy Spirit is given to us. और इसलिए पवित्र आत्मा हमें दिया गया है. That He may enlighten us and enlighten our mind and enlarge our mind so that we will understand. ताकि वो हमारे मनों को प्रकाशित करे और हम समझने पाए परमेश्वर के वचन को. And so the Bible says the things of God knoweth no man. At the same time, we also must understand the saints of God must know the things of God. जबकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की बातों को मनुष्य नहीं जान सकता. If you are a born लेकिन परमेश्वर के संतों को परमेश्वर की बातों को जानना है. If you are a born again Christian, और अगर आप एक नया जन्म पाए हुए मसीह हैं, then you need to know what God demands of you. तब आपको ये जानना जरूरी है कि परमेश्वर आपसे क्या मांग रखता है.
how God wants you to live. और कैसे परमेश्वर चाहता है कि आप जिए. And God's way is contrary to the worldly ways. और याद रखिए परमेश्वर के तरीके संसार के तरीकों से अलग हैं. Everything is उल्टा. और उल्टा उल्टा और हर एक बात उल्टी है. Let me tell you one example. एक उदाहरण मैं आपको दूंगा. The world will tell you. संसार आपसे कहेगा. Receive and then you give. पहले लो और फिर दो. God says. परमेश्वर कहता है. You give and then you receive. पहले दो ताकि तुम्हें दिया जाएगा. It is like that in human life. और ये मानवीय जीवन में सब ये ऐसे ही है. If you want others to do good to you, और अगर आप चाहते हैं कि दूसरा आपके संग अच्छा करे, God says, परमेश्वर कहता है, first you do good to them, तो पहले तुम उनके लिए भला करो, and then you can expect good from them. तब तुम परमेश्वर से भली बातों की आशा लगा सकते हो. The world says, और संसार कहता है, when somebody hit you here, कि अगर कोई तुम्हें एक गाल पर मारे, you turn your other face also and show and let them. तुम अपना दूसरा गाल भी उसे दिखा दो. The world doesn't say that. संसार ऐसा नहीं कहता. The world will tell you. और संसार आपसे कहता है. If somebody भैया hit you, you just break his hand. अगर कोई तुम्हें मारे तो उसका हाथ ही तोड़ दो. That is why they come and hit. You don't know me. और किसी ने लोग कई बार कहते आओ मारो तू मुझे जानता नहीं. I will show you my real color. मैं तुझे अपना असली रंग दिखाऊंगा. What is the real color? और असली जो रंग है वो क्या है? काला काला. But what does God say? लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? Love your enemy. अपने शत्रुओं से प्रेम करो. That's what God says. और यही परमेश्वर कहता है. The world will tell you. और संसार आपसे कहेगा. Prove yourself. अपने आप को साबित करो. Show yourself. अपने आप को दिखाओ. You are a mighty man. और तुम बड़े शक्तिशाली आदमी हो. And people cannot play with you. और लोग तुम्हारे संग कोई खेल नहीं खेल सकते. God will say. और परमेश्वर कहता है. If your right hand is an offense to you. और अगर तुम्हारा दाहिना हाथ किसी अपराध को करे. Cut it off. उसको काट दो. You better go to heaven with one hand less. ये तो अच्छा ही होगा तुम एक हाथ के बिना स्वर्ग में जाओ. Then go to hell with all your faculties intact. कि इसके बजाय कि सारे अंगों के संग उस नर्क में अनंत के लिए जाओ. What the world says is exactly what God tells us. Opposite. और जो कुछ संसार कहता है और जो परमेश्वर कहता है ये सारी बातें उसके उल्टा है. An unregenerate man is ignorant of the things of God. और एक ऐसा मनुष्य जिसका अभी नया जन्म नहीं हुआ है वो परमेश्वर की बातों को नहीं जानता. The main reason is. और उसका मुख्य कारण है. Man cannot find out God by looking for God. और एक मनुष्य परमेश्वर को ढूंढने के द्वारा नहीं पा सकता. So many people. Say, show me God, then I will believe. कई लोग कहते हैं मुझे उस परमेश्वर को दिखाओ और मैं विश्वास करूंगा. Many people want to see God. और कई लोग परमेश्वर को देखना चाहते हैं. And there was an evangelist in Kerala many years ago. और एक केरला राज्य में एक सुसमाचार प्रचारक थे कई साल पहले. Nowadays we don't have such bold evangelists. और इन दिनों में ऐसे सुसमाचार प्रचारक नहीं है. So he was traveling in a train and he met a fellow passenger. और वो एक ट्रेन में यात्रा कर रहे थे और एक साथ में व्यक्ति उनके था. And as usual, you know, those days you used to share the gospel with people. और उन दिनों में लोगों ने सुसमाचार बांटते थे. So this evangelist was sharing the gospel. और ये सुसमाचार बांट रहे थे, ये सुसमाचार प्रचारक. And this man kept on saying, "I don't believe in God." और ये मनुष्य उनसे कह रहा था बार-बार, "मैं नहीं विश्वास करता." But I'll tell you. लेकिन मैं आपको बता दूं. If you show me God. कि अगर तू मुझे परमेश्वर को दिखा देगा. I will believe. मैं विश्वास कर लूंगा. And the evangelist kept quiet. और वो जो सुसमाचार प्रचारक था वो शांत रहा. And both of them were getting off at the particular station. और दोनों ही एक ही स्टेशन पर उतर रहे थे. It was summer time. और वो बहुत गर्मी का समय था. And it was midday. और वो दोपहर का समय था. And after getting
down. और वो जब नीचे उतर गए. The evangelist gave the other man an invitation. और उस सुसमाचार प्रचारक ने दूसरे इस मनुष्य को न्योता दिया. Before you go back home. इससे पहले कि तुम घर वापस जाओ. I want you to come with me. मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ आओ. He said why? और वो कहता है क्यों? He said I want to show you God. मैं तुम्हें परमेश्वर को दिखाऊंगा. Oh, he went. और वो गया. The sun, a summer sun was shining on the sky. और जो गर्मी का जो सूर्य था बड़ी तपन के साथ ऊपर चमक रहा था. And the evangelist went into a very open space. और वो सुसमाचार प्रचारक एक खुले स्थान में उसे ले गए. And the sun was above them. और जो सूरज था उनके ऊपर था. And he told him. और उससे कहा. Please look at the sun without closing your eyes for 1 minute. कि बिना आंखें बंद किए एक मिनट तक तो मैं सूर्य की ओर देखो. He said, "What are you crazy?" और उसने कहा कि क्या आप मूर्ख हैं? Can you look? क्या तुम देख सकते हो? Evangelist said, "No." और उस समाचार प्रचारक ने कहा नहीं. I don't look. Now why you want to see God? You know. क्योंकि तुम तो परमेश्वर को देखना चाहते हो. If you do that, you will see God. अगर तुम ऐसा करोगे तो परमेश्वर को देख लोगे. And he refused. और उसने मना कर दिया. Because he didn't want to damage his eyes. क्योंकि वो अपनी आँखों को नष्ट नहीं करना चाहता. The evangelist said. और सुसमाचार प्रचारक ने कहा. My brother. मेरे भाई. This sun is one of the smallest of God's mighty creation. ये सूर्य परमेश्वर की रचना में से सबसे छोटी एक रचना है. And if you cannot look at this one of the smallest creation of God, अगर तुम परमेश्वर की ऐसी छोटी रचना को भी अपनी आंखों से नहीं देख सकते, how do you expect to see the Creator Himself? तब तुम कैसे उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर को अपनी आंखों से देखोगे? So don't be a fool. तो इसलिए मूर्ख मत बनो. What did Jesus tell Thomas? और यीशु ने थोमा से क्या कहा? थोमस यू बिलीव नाउ बिकॉज यू हैव सीन. कि थोमा तूने विश्वास किया क्योंकि तूने अभी देखा है. बट ब्लेस्ड आर दोज हु हैव नॉट सीन एंड येट बिलीव. लेकिन धन्य है वे जिन्होंने देखा नहीं लेकिन फिर भी विश्वास. बाय द वे दैट इज अ रेफरेंस कंसर्निंग यू एंड मी. और ये एक ऐसा वचन है जो आपकी और मेरे विषय में बताता है. And all those people to whom these apostles preached. और उन सारे लोगों के लिए जिनके बीच में इन सुप्रचार इन प्रेरितों ने प्रचार किया. The only people who saw Jesus personally while he was here on earth was the apostles. और इसीलिए याद रखिए सिर्फ वे लोग जिन्होंने यीशु मसीह को आमने सामने देखा था वो थे सिर्फ प्रेरित और उसके चेले. Even apostle Paul has never seen. और यहाँ तक कि पौलुस प्रेरित ने भी यीशु मसीह को नहीं देखा था. He only saw the resurrected Jesus on his way. उसने सिर्फ पुनरुत्थान पाए हुए अपने उस यात्रा में दमास्कुस नगर के जाने वाली यात्रा में उसका. What happened to him? उसके साथ क्या हुआ? When he had that glorious revelation of the risen Lord, जब उसके सामने उस जीवित हुए परमेश्वर का महिमामय प्रकाशन हुआ, he couldn't look. वो उस ओर देख भी नहीं पाया. He became totally blind. और वो अंधा अंधा बन हो गया. But thank God, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, his physical blindness has opened his inner eyes. कि उसकी शारीरिक अंधेपन ने उसके आत्मिक आंखों को खोल दिया. Whatever God teaches. और जो कुछ परमेश्वर सिखाता is opposite to what the world teaches. याद रखिए संसार जो कुछ सिखाता है उसके विपरीत है. Hallelujah. Hallelujah. Who shall inherit the earth? और कौन इस पृथ्वी पर राज करेंगे? Not the mighty kings. याद रखिए वो शक्तिशाली राजा नहीं. Not with sword and tanks and guns and bombs. और याद रखिए बंदूक बॉम्ब या ऐसे किसी वस्तुओं के द्वारा नहीं. नेपोलियन बोनापार्ट. और जो नेपोलियन बोनापार्ट का नाम अगर आपने सुना, he was exiled. और उसे जो है काला पानी की सजा दी गई. Like John the disciple. जैसे यहुन्ना को मिली थी. He was in an island. और वो एक टापू पे उसे रखा गया. And lying there alone. और वहां पर एकांत में वो था. He made this statement. उसने इस वाक्य को वहां कहा. Alexander the Great. और जो सिकंदर महान था. And then he named so many mighty kings who conquered the world. और उसके बाद उसने कई सारे सामर्थी राजाओं शक्तिशाली राजाओं का नाम लिया जिन्होंने संसार पर कब्जा किया. The Babylonian emperors. और उसके बाद जो बाबुल के जो राजा थे उसके. The Roman emperors. और जो रोम के राजा और केसर थे. And all these emperors.
We all have conquered the world, Alexander the Great. और हम सब ने संसार पर कब्जा किया जैसे सिकंदर महान. With sword and bloodshed. और तलवार और खून बहाने के द्वारा. By killing people. हत्या करने के द्वारा लोगों की. Then he said this. और उसने फिर ये कहा. 2000 years ago. 2000 साल पहले. One lonely man. एक एकांत में रहने वाला मनुष्य. By the name Jesus Christ. जिसका नाम यीशु मसीह था. He conquered the world. उसने संसार को जीत लिया. Even after 2000 years. और यहाँ तक कि 2000 साल बाद भी. Today there are millions and millions of people who will stand up for Jesus Christ. यहाँ पर लाखों और लाखों की संख्या में लोग हैं जो यीशु मसीह के लिए खड़े हैं. And His kingdom. और उसके राज्य के लिए. Cannot be destroyed. और उसका राज्य का नाश कभी नहीं होगा. But I. लेकिन मैं. Who tried to conquer the world? जिसने संसार पर कब्जा करने की कोशिश करी. And dying here a lonely death. अब मैं यहाँ मरने पर हूँ एक एकांत की मृत्यु. Nobody there to fight for Napoleon. अब कोई नहीं है जो नेपोलियन के लिए लड़े. So what is the secret? और उसका रहस्य क्या है? The meek shall inherit the earth. जो दीन होंगे वो इस पृथ्वी पर राज्य करेंगे. Amen. Amen. So never be ashamed to be meek. और इसलिए दीन होने में कभी भी शर्म आपको शर्म ना आए. By the way, meekness is not weakness. और याद रखिए आपकी दीनता आपकी कमजोरी नहीं है. Meekness is a great power. लेकिन याद रखिए दीनता तो आपका एक बड़ा सामर्थ है. If you want to prove it, try meekness. और आप अगर इसको साबित करना चाहते हैं तो एक बार करके देखिए. What you cannot accomplish with sword and bomb. और जिन बातों को आप तलवार और ताकत से नहीं कर पाएंगे. Hallelujah. Why in spite of all the persecution. और सताव के बजाय. Why even today. क्यों आज के दिन तक. There are thousands of people coming into the kingdom of God. हजारों की संख्या में लोग प्रभु यीशु मसीह के राज्य में. Hallelujah. Hallelujah. The meek Jesus. और वो दीन यीशु मसीह. Is still conquering millions of souls all over the world. वो अभी लाखों आत्माओं को जीत रहा है विश्व भर में. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. Man cannot find out God. और मनुष्य परमेश्वर को नहीं ढूंढ सकता. By looking for it. उसको ढूंढने के द्वारा. It has to be given to him through a revelation. लेकिन ये तो उसे दिया जाना है एक प्रकाशन के द्वारा. What the world cannot reveal to you. और जो संसार आपको प्रकाशित नहीं कर सकता. What the experts of the world, the scientists or teachers, the philosophers cannot reveal to you, the Holy Spirit can reveal to you. और याद रखिए जो संसार के वैज्ञानिक और इस संस्थान के इस बुद्धिजीवी आपको नहीं प्रकट कर सकते वो परमेश्वर का वचन आपको प्रकट करता है. I close here this. मैं यहाँ पर इसको रोकता हूँ. I have two more points. दो और बातें हैं. Next Sunday I will share it. अगले रविवार को इन दो बातों को मैं आपके समक्ष रखूंगा. प्लीज शेयर प्लीज रिमाइंड मी. लेट अस ऑल स्टैंड. आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं. बट आई शेयर विथ यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेरेंट्स. और इसलिए आज की सुबह जो मैंने आपसे बांटा वो ऐसी बात है जो बहुत महत्वपूर्ण है माता पिता के लिए. फॉर द यंग पीपल. जवानों के लिए. यंग पीपल. Don't allow yourselves to be drawn away. और इसलिए जवान लोग आप ये अनुमति ना दे कि आप पीछे खींचते चले जाएं. Your family relationship is the best gift God has given you. याद रखिए पारिवारिक रिश्ता और पारिवारिक प्रेम परमेश्वर ने सबसे बड़ा तोहफा आपको दिया है. Your mother cannot be replaced by another woman. और याद रखिए आपकी माँ की जगह कोई दूसरी स्त्री नहीं ले सकती. As your mother cries and weeps for you. और जैसे आपकी माँ आपके लिए रोती है. No other woman will cry for you. कोई दूसरी स्त्री वैसे रोकर प्रार्थना नहीं करेगी. Your father cannot be replaced. आपके पिता की जगह कोई नहीं ले सकता. Your father is precious. और याद रखिए आपके पिता भी बहुमूल्य हैं. He is compassionate. और वो दया करेंगे. And a mother is a comforter. और ये जो माँ है ये सद्भावना देती है. That's why when a child needs comfort suddenly he doesn't run into the father or anyone else to the mothers. और इसीलिए जब एक बच्चे को दिलासा चाहिए वो पिता की ओर नहीं लेकिन माँ की ओर दौड़ता है. And father is a compassionate one. और पिता भी दया दिखाने वाले पिता है. He sees your needs. वो आपकी आवश्यकता को जानता है. And he meets your need. और वो आपकी जरूरतों को पूरा भी करेगा.
Never, never break the hearts of your mother, especially. और खास रीति से अपनी माँ का हृदय आप कभी ना तोड़े. She carried you for over 9 months in her stomach. और उन्हें 9 महीने तक आपको अपने गर्भ में रखा. Don't think it is a very comfortable. और याद रखिए, बड़ा आरामदायक बात नहीं था. And when the moment comes to give birth, और जब वो समय आया जन्म देने का, they say, experts say it is actually a battle between life and death. और जो डॉक्टर्स हैं या जो इस विषय में बुद्धि रखते हैं, बुद्धिजीवी हैं, वो कहते हैं ये मृत्यु और जीवन के बीच की लड़ाई है. Either the mother or the child. या तो माँ या और या तो बच्चा. But she goes through all that. और वो उन सारे बातों से होकर के निकलते हैं. But her uncomfortableness does not end there. लेकिन उनका जो ये लड़ाई है वहीं समाप्त नहीं होती. While the father is snoring and sleeping. और जबकि पिता जो है आराम से सोते हैं. I know my wife. मैं अपनी पत्नी को जानता हूँ. In the morning she will feel pain in her arms. और सुबह उठकर उनके जो हाथ हैं, कंधे हैं, उनमें दर्द होगा. And I say, what happened? और मैं पूछूंगा क्या हुआ. I was sitting all night. I didn't sleep. और मैं पूरी रात भर इस बच्चे को गोद में लिए हुए बैठी थी और सोई नहीं. What was the problem? समस्या क्या थी? Sunny was crying. जो पास्टर सैमी जो कि उस समय बच्चे थे वो रो रहे थे. She cries, but we don't know why he is crying. और वो रो रहे थे लेकिन हमें ये नहीं पता क्यों रो रहे थे. But a mother's comforting arms. लेकिन अपने माँ की गोद में रात भर वो माँ उन्हें लेकर के बैठी रही. Brings that comfort. और वो उस दिलासे को एक बच्चे के दिल में लेकर के आती. The whole night she was sitting like. और पूरी रात भर वो वैसे ही लेकर उन्हें बैठी रही. Your gratitude can never be compensated. और याद रखिए, जो काम उन्होंने किया है उसका आप कभी भी चुकाया किसी बात के द्वारा आप उसे पूरा नहीं कर सकते, चुका नहीं सकते. The relationship, वो रिश्ता, that is the best thing God has given. परमेश्वर ने सबसे उत्तम बात है जो हमें दिया है. In order to keep and protect the relationship, one must be prepared to pay any price. और उस रिश्ते को बनाए रखने के लिए और उसकी रक्षा करने के लिए एक को तैयार रहना है कि वो कोई भी दाम चुकाए. Thank God for your fathers. और धन्यवाद हो आपके पिता के लिए भी. Some fathers can be unreasonable. और कुछ पिता हो सकता है कि कुछ बातों में तर्क ना रखते हों. He is an expert in punishing. और जो पिता होते हैं वो दंड देने में एक्सपर्ट है. He's always ready. और वो हमेशा तैयार हैं कि उन्हें दंड दे, बच्चों को दंड दे. But a mother, लेकिन माँ, is a comforter. वो दिलासा देने वाली. And a child runs to the mother. और वो बच्चा माँ की ओर दौड़ता है. And when needs need to be met, और जब आवश्यकताओं की पूर्ति होना है, he runs to the father. वो पिता की ओर दौड़ता है. We need both. हमें दोनों की जरूरत. And how about our brothers and sisters? हमारे भाइयों और बहनों के विषय में. They are the best gift God has given. वो एक परमेश्वर का सबसे उत्तम तोहफा है जो परमेश्वर ने दिया है. Don't allow this little instrument to spoil all these relationships. और इस मोबाइल फोन या इस यंत्र को अनुमति ना दे कि इन रिश्तों को नाश कर दे. Sit together. एक साथ बैठिए. Turn your phone off. और अपने मोबाइल फोन्स को बंद कर दीजिए. And have some time together. और एक साथ कुछ समय बिताइए. Communicating. एक दूसरे से बात करिए. That will keep the home a healthy place to live. और वो घरों को एक अच्छा स्वस्थ स्थान बनाए रखेगा. We have to learn lot of things. हमें बहुत सारी बातों को सीखना है. We need the Holy Spirit. हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है. He is our teacher. वो हमारा शिक्षक है. Jesus is our savior. यीशु मसीह हमारा उद्धारकर्ता है. And Holy Spirit is our teacher. और पवित्र आत्मा हमारा शिक्षक है. Hallelujah. Hallelujah. He saves sinners. वो पापियों को बचाता है. And leave the saint to the Holy Spirit. और उन्हें संत बनाकर पवित्र आत्मा को दे देता है. But that doesn't mean the Holy Spirit is away and Jesus is away when the Holy Spirit is working. No. इसका मतलब ये नहीं है कि यीशु मसीह दूर है जब पवित्र आत्मा काम कर रही हो. Our God is a triune God. लेकिन याद रखिए, हमारा परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है. They work together. वो एक साथ काम करता है. They are one.
They are one. वो एक ही है. Amen. Amen. Lift up our hands. आइए हम अपने हाथों को उठाएं. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. We give you praise and thanks, Lord. हम आपको सारा आदर और महिमा देते हैं. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Thank you, Lord. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद. Jesus. Thank you for Jesus. धन्यवाद करें यीशु का. Thank you that you have saved us. और धन्यवाद यीशु कि आपने हमें बचाया. You are our savior. और आप हमारे उद्धारकर्ता हैं. There is no savior like Jesus. और आपके जैसा कोई दूसरा उद्धारकर्ता नहीं. Thank you. धन्यवाद. And then you have not abandoned us after saving us. और कि पिता परमेश्वर हमारे हमें बचाने के बाद आपने हमें छोड़ा नहीं. You have made provision for the Holy Spirit to come and that he may teach us. लेकिन तूने अपनी पवित्र आत्मा को हमारे लिए मुहैया कराया ताकि वो हमें सिखाए. हालेलुया. हालेलुया. थैंक यू फॉर द ब्लेस्ड होली स्पिरिट. धन्यवाद हो पवित्र आत्मा के लिए. मे मोर एंड मोर ऑफ द सेव्ड पीपल बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट. और हमारे तेरे बचाए हुए लोग तेरी पवित्र आत्मा की बहुतायत से भरते चले जाएं. थैंक यू लॉर्ड. धन्यवाद परमेश्वर. द स्पिरिट ऑफ गॉड कैन डू व्हाट अदर्स कैनॉट डू. और परमेश्वर का पवित्र आत्मा उन बातों को कर सकता है जो दूसरे नहीं कर सकते. Thank you. धन्यवाद. Jesus name. यीशु के नाम में. Amen. Amen.